पंदर दिन अनवसर पर आसंता काली नेत्रोत्सव भक्तों दर्शन देवे महाप्रभु इन्हें कि सबकि प्रस्तुति सरी देखा रथपथ जगन्नाथ आसंता काली पवित्र नवजौवन दर्शन व नेत्रोत्सव प्राय पंदर दिन गोटे व्यवधान पर अनवसर जो व्यवधान थी भक्त को दर्शन देवे महाप्रभु भक्त सीधा सड़क देखिपारे प्रिय ठाकुर मानू सका आठटा रु नौटा पर्यंत परिमाणिक टिकट दर्शन हेबो एवं नौटा रु एगारटा आउ दुई घंटा सर्वसाधारण दर्शन करहेबे सर्वसाधारण माने दर्शन करिपारे बिना कौन से टिकट रे यापर दर्शन संपूर्ण बंद कर दिया जिवो ए तीन घंटार दर्शन पर घोषयात्रा पई आरंभ हो जिवो प्रस्तुति एथर उभा वर्ष ए वर्ष जदि कह उभा यात्रा पड़ी ना तेरु भक्त मैंने आसंता काली गोटे दिन ही महाप्रभु नवजौवन दर्शन करें से प्रबल गहली लगे निश्चित आज से गहली लगला आसंता काली रथखड़ तीन रथ को टणा जा सिंहद्वार सामना को अणा ये नहीं कि समस्त प्रस्तुति किभली प्रस्तुति कर सुरक्षा व्यवस्था हो भक्तों गहली को देखिकी एवं मात्र तीन घंटार दर्शन देवाई बहुत गहली ये सब नहीं सीधा सख आम सहित जोड़ी होती आम पूरी ब्यूरो चीफ चित्तरंजन महांती चित्त टी जानवाक चाहिए राति साढ़े नौटा जमी आप आगु बुलेटिन गुड़िकूचना दूसरे प्रबल गहली एबेठू कारण जदि कहपर गोटे लंबा समय पर भक्त मैंने एथर टी देखिपारे निज ठाकुर मन पूरे एथर रथ जात्रा भी से भाव में 17 लक्ष लोक श्रद्धालु कहुच्छे तेणु ये सब को नजर रखी आसंता कालीठू ही ये गहली लगे तेणु केमी रही वर्तमान पूरीर चित्र प्रथम जानवाक चाहिए एक आध्यात्मिक चित्र कारण महाप्रभुंकर राति पाइले नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव 15 दिन व्यवधान कारण महाप्रभु 108 गड़ु जल रे स्नान करिबा परे ज्वर रे पीड़ित गले केवल एकमात्र महाप्रभु ही जानती जे तांको पाई कौन घटिबो तांको पाई ज्वर हेबो से निश्चित से बाबद संपूर्ण भाव अवगत था तेणु ता पूर्व पूर्व प्रस्तुति हुए ज्वर रे पीड़ित जाती एवं 4 दिन संपूर्ण भाव में औषध खाई तापर दशमूल मुदक नहीं समस्त प्रकार गजपति दिव्य से देव को तांकर बार्ता जाए दईता और पति महापात्र माने महाप्रभु सुस्थ होती सुस्थ होबा परे महाप्रभुंकर बनक लागि नीति अनुष्ठित हुए बनक लागिरे महाप्रभुंकर श्रीमुख श्रृंगार हुंती यापर महाप्रभु नवजौवन रूप से भक्त को दर्शन दिखती जहाँ से सौभाग्यटी आसंता काली राति पाइले महाप्रभु को दर्शन करिबे हजार हजार संख्यार भक्त आ श्रद्धालु कारण से व्यापक प्रस्तुति आसंता काली केवल 60 प्लाटून फोर्स सकाळ 8टा रु 9टा परिमाणिक दर्शन 9टा रु 11टा साधारण भक्त श्रद्धालु को दर्शन जो मानक टिकेट रो आवश्यकता नाही दिन 11टा रु आसंता काली महाप्रभु को परदिन घोषयात्रा पाई प्रस्तुति आरंभ बड़दाण्ड में आपड़ देखुंटे बड़दाण्ड में भक्तों समागम खूब जोर सोर लगी कारण महाप्रभुंर जो रथजात्रा नहीं वर्ष तमाम भक्तर तपस्या थाए वर्ष तमाम भक्तर आकांक्षा थाए वर्ष तमाम आखि अन आखि पूरे अन थाए जे से सौभाग्यर दिन आसब महाप्रभुंर बड़दाण्ड में पाद लग महाप्रभु को नेत्र पूरे दर्शन करी ए चर्म चक्षु दर्शन हम कोटि जन्मर पुण्य मिल ये हूँ से भक्तर जन्म जन्मर तपस्या समस्ते चाहिए बड़दाण्ड को आसीपर ना जो पर्यंत डोरी न लगी जो पर्यंत से लगन न लगी जो पर्यंत भक्त को हृदय महाबाहू नहीं नहांती से पर्यंत बड़दाण्ड को भक्त आसीपारे ना ये जिते भक्त देखुंट आपण ये बड़दाण्ड भरी जा भक्त गहन से ये सब भक्त आगमन केवल महाप्रभुंर डोरी लगी डोरी भितरे महाप्रभु को खोजुंत भक्त राति पाइब सकाल हम महाप्रभु को ये चर्म चक्षु दर्शन मिल से चका चका आखि को दर्शन करने भक्त जमी व्याकु भक्तर जो आकांक्षा भक्तर जो समर्पण भाव
ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଭକ୍ତିପୂତ ନମ୍ର ଭାବ ସେ ନମ୍ରତାରେ ମଥା ନଇ ଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଥାପିଲା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ତୋ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ମୋ ଶରୀରରେ ରାଗିଲା ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତୋ ନେତ୍ର ପଡ଼ିବ ଏ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ରଥ ଦୌଡ଼ିରେ ଏ ନେତ୍ର ଯାଉଛି ରଥ ଉପରକୁ ଏ ସବୁର ଭିତରେ ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଚକା ନୟନକୁ ଦର୍ଶନ ଚକା ଡୋଳାକୁ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆପଣ ଏ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଥ ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ରଥର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବକମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଏବେ ସାରଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ରହିଛି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରଭା ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭା ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଇ ସେବକ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାନା ସେବକମାନେ ସେମାନେ ଶେଷ ହରିବୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନଅଟି ହରିବୋଲ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାରାଣା ସେବକମାନେ ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ହରିବୋଲ ଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେପଟେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ସରିବ ଦିନ 11ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଅପସରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଚକା ଅପସରା ନୀତି ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରୁ ତିନି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ଆସିବେ ଏ ପାଖେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବେ 250 ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 55-56 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ସେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ କାରଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲେ ଏ ରଥ ଘର 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 ଶବ୍ଦ କରି ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଯିବ କାରଣ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଗଲେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ପୁଣି ଆଗୁଆ ଆଗୁଆ ଟଣା ହେବ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିଧି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ଛୁଟିବେ ରଥ ଖଳାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥିଲା ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତିନି ଖଣ୍ଡି ଧୌରା କାଠକୁ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ସେମାନେ ଛାଉଣି କରିଥିଲେ ସେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥିଲା ଅଖ ଚକ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ତୃତୀୟ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ଅଖ ରଥ ଖଳାକୁ ଛୁଟିବେ ତାପରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କର ଚକା ପଡ଼ିବା ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଚକା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି ଚକା ପିଢ଼ା ପକାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ପିଢ଼ା ପାଣି ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ପ୍ରଥମ ନମୁନା ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଇଏ ପିଢ଼ା ପକାଇ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଥିରକୁ ସେ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ସେ ହେବ ଶେଷ କଥା ଏ ରଥର ନିର୍ମାଣର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେଣି ଜଳଯନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝୁଲିଆ ଯାଇଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ 11 ଜଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ରଥର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 9 ଜଣ ଏବଂ ରଥର ଉପରି ଭାଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ 11 ଜଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଆବେଗ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଭାବନା କାରଣ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହାନ୍ତି ରଥ ଜୀବଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗ ଟିକେ ରଥ ଛୁଇଁଦେଲେ ସତେ ଯେମିତି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭକ୍ତ କାନି ପତେଇ ରଥକୁ ଛୁଉଁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମହାବାହୁ ଏ କାନିରେ ତୁମର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅ ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମୋ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗ आप कहां से है मुंबई से आए हैं मुंबई से आए जी मैं देख रहा हूं कब से आप इधर जगन्नाथ जी का रथ को देख रहे हैं हाँ जी तो क्या मकसद है आपकी कल दर्शन करेंगे आप जी जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे आप जी क्या दिमाग में आप लेके आए हैं जगन्नाथ जी कैसे डोरी लगाए आपका
ऐसा है कि जगन्नाथ जी जो है मतलब कि सबके जगत के नाथ हैं और सबके मतलब आराध्य देवता हैं, लोगों का मतलब उनका प्रेम है लोगों का मतलब भगवान के प्रति, तो सोचते कि कैसे भी करके मतलब साल भर में एक बार समय निकाल के उनका दर्शन करने के लिए लोग आए ऐसा करके। तो हमारा मतलब पिछले साल भी हम ट्राई कर रहे थे आने के लिए लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन इस साल जगन्नाथ जी का डोरी लग गया हमारा तो हम आगे दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी शायद आपको पिछले बार देखा नहीं था, इस बार देख लिया आपको क्योंकि आपका पैर छू गया ये बड़दांड को, इसीलिए आप पहुंच गए बड़दांड में। क्या मन में भावना है आपका, जगन्नाथ जी को कैसे स्मरण करते हैं आप? जगन्नाथ तो भावग्राही पतित पावन जगन्नाथ हैं, इसके लिए बोलते हैं कदाचित कालिंदी तट, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पातगामी भवतु मे। से भक्त र हृदय र कथा कोठि केते भाषा थाउ ना कहि कि जते श्लोक हृदय रे थाउ ना कहि कि सर्वशेष रे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे कराखिर तारा से हृदय रो पारा से मनर से होछन्ति सबर सर्वाग्र देवता से कारण से चाहिले ए हृदय को तांक सहित लगे पारिबे। केवल भक्त को दे केवल भक्त भगवान को देखिबा पई व्याकुल नुए, महाप्रभु मध्ये सपटे व्याकुल कारण केते शीघ्र ए राति पाहिबो केते शीघ्र बड़ दंड को सी आसीबे केते शीघ्र तांकर लक्ष लक्ष भक्त को देखिबे। आपण देखुथिबे बड़ दंड रे केते बले रथ टणा समय रे केछि रुकावट आसी जाए, रथ को जेते भिड़िले भी ए पुलिस भाई माने टाणंतु भक्त टाणंतु रथ टाणी हुए नाही, कारण रथ रे सेही जगन्नाथ अपेक्षा करितांती कारण तांकर कोठि ना कोठि भक्त जणे अटकी थाए से आसी पारि नथाए बड़ दंड को ताकु से देखिबा पई अटकी जांती। अरे रही जरे तुम्हें माने रथ दौड़ी छाड़ी दियो, मो भक्त आसीनी बड़ दांड को से आसीले मु ताको आखी पुरै दर्शन करबी। बिल्कुल चित आपण जेमिति कहउचंती एवं आमे गोटे आवेग देखुथुरु जो भली सेति पई तो भक्तर भगवान बोली तांको कुहा जाए भाव विनोदिया बोली कुहा जाए। एवं गणेश भट्ट गोटे समय रे आसीथिले महाराष्ट्र रु एवं आमे पुणी मुंबई रु आसीथिबा जने भक्त को देखुथुलु चित्तरंजन महांती सीधा असल काम सहित थिले।